शासनिस परमात्मा प्रभु महावीर के पावन श्री चरणों में कोटिशह वंदन। परम श्रद्धेय गुरुदेव श्री के पावन श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा मेरे माताओं, दोपहर कालीन धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी के समक्ष अपने भाव प्रकट करूं उससे पूर्व भजन की यह कुछ पंक्तियां हैं। प्रभु चरणों में समर्पित इन पंक्तियों को आप भी साथ में बोलने का, गुनगुनाने का प्रयास अवश्य करेंगे। दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, मुरझाए कली दिल की, मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए, दाता तेरे सिमरन का। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सिमरन। यह मन बड़ा चंचल है सिमरन में नहीं लगता, यह मन बड़ा चंचल है सिमरन में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सिमरन का। हे नाथ मेरे दिल की बस इतनी तमन्ना है, हे नाथ मेरे दिल की
बस इतनी तमन्ना है पापों से बचा लेना, पापों से बचा लेना, कहीं पाँव न फिसल जाए। दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। दाता तेरे सिमरन का, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए। दाता तेरे सिमरन का, दाता तेरे सिमरन का वरदान जो मिल जाए। मुरझाए कली दिल की, मुरझाए कली दिल की, एक आन में खिल जाए। दाता तेरे सिमरन का। एक कथा से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। ऐसा कहते हैं, एक बार एक देश के राष्ट्रपति ने कैद खाना जो जेल है, जेल का जायजा लेने के लिए उसने घोषणा करवाई कि भैया मैं आऊंगा और जेल देखना चाहूंगा, वहां कैदी कितने रहते हैं, कैसे रहते हैं, मैं सब कुछ जानना चाहूंगा। देश का राष्ट्रपति आ रहा है, ये सोच के एक हड़कंप सा मच गया। जो भी आनन फानन में सुधार हो सकता था जल्द से जल्द सुधार किए गए, और इस तरीके से राष्ट्रपति का आगमन जेल में होता है। जितने भी वहां कैदी थे उन कैदियों को देख के और उनके रहन सहन को देख के राष्ट्रपति थोड़े दयालु रहे होंगे, तो उन्होंने सभी को जो लाइन में लगे हुए कैदी हैं उनके जीवन को, उनके जीवन के स्तर को, उनके रहने वहाँ खाने पीने के ढंग को देखा, बड़ी उन्हें करुणा आई। और करुणा आने के बाद उन्होंने उन सारे जितने भी कैदी वहाँ खड़े हैं उन कैदियों से पूछना शुरू कर दिया। एक एक से वो कहते हैं, पूछते चले जाते हैं कि भाई जेल में कोई कमी तो नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पे? तो ये बोला करे, नहीं कोई परेशानी नहीं है, पर पता है यहां के जो बिस्तर है ना वो ठीक नहीं है,
बहुत गंध मारते हैं, रात को सही ढंग से नींद नहीं आती। अगर आप बिस्तरे बदलवा दो, अगर आप सही ढंग के साफ सुथरे बिस्तरे दिलवा दो तो आपका बड़ा उपकार होगा। राष्ट्रपति बोला ठीक है भैया, अगर तुम्हें साफ बिस्तरे चाहिए तो चलो, तुम्हें क्या मिल जाएंगे, साफ बिस्तरे मिल जाएंगे। और इस तरीके से उसे साफ बिस्तरे मिल गए। आगे बढ़े, दूसरे से पूछा, करे भैया तुम्हारी कोई कमी, तुम्हें कुछ लगता हो? करे बिस्तरे तो चलो ठीक है, मुझे तो आदत है चाहे कैसे भी बिस्तरा मिल जाए, नींद आनी चाहिए, मैं तो सो जाता हूँ। यहाँ तक कि बिस्तरा ना भी हो और अगर मुझे नींद आ रही है तो मैं क्या कर लेता हूँ, आराम से सो जाता हूँ। परंतु जेल में जो है ना, मच्छर बड़े हैं और इतने मच्छर हैं कि मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, रात को नींद तक नहीं आती। आप कुछ ऐसी मच्छरदानी की या कुछ ऐसे कि भैया मुझे रात को मच्छर ना काटे, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो। तो राष्ट्रपति ने कहा ठीक है। उसने जो पास में खड़ा था आदमी, उससे कहा करे भैया इसके लिए तुम क्या कर देना, मच्छरदानी की व्यवस्था, मच्छरदानी की व्यवस्था कर देना। तीसरे से पूछा, करे भैया तुम्हें कोई कमी? करे हाँ ठीक है, यहाँ जेल में ना खाना अच्छा नहीं मिलता। चलो भैया सो तो लो कहीं भी, कैसी भी रात अपनी कट जाती है, परंतु अगर खाना सही ढंग का ना मिले तो जिंदगी क्या हो जाती है, नरक बन जाती है। बस खाना बढ़िया नहीं मिलता और तो सब ठीक है। तो कहकर राष्ट्रपति ने कहा ठीक है, तुम्हें खाना आज से क्या मिलेगा, बढ़िया मिला करेगा। आदेश दे दिया गया भैया कि इसके लिए स्पेशली क्या कर लो, इसके लिए भोजन बनाया जाएगा, इसे अच्छा भोजन दिया जाएगा। आगे पूछा, क्या करे राष्ट्रपति महोदय, चलो खाना पीना सोना ये तो सब ठीक है, परंतु नहाने की अगर व्यवस्था ना हो अच्छी तो पता नहीं मुझे तो बेचैनी होने लग जाती है। यहाँ के आपने बाथरूम देखे कैसे सड़े हुए, इतने गंद मारते हैं, पहली बात तो वहाँ घुसने का मन नहीं करता, और एक बार घुस जाओ तो ऐसे वहाँ रहना रहा नहीं जाता, टिका नहीं जाता। आप तो बस यहाँ के बाथरूम की कुछ क्या कर दो, कुछ व्यवस्था करवा दो। राष्ट्रपति ने कहा ठीक है। उसने कहा करे भैया थोड़ा ध्यान दिया करो, इनके बाथरूम क्या कर देना, सही कर देना, साफ सुथरे करवा देना। अगले से पूछा, अगले ने कहा करे बाथरूम तो ठीक है, परंतु जिस कमरे में हमें रखा गया है, जिस कैद खाने में हमें रखा गया है, वो कमरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, अगर आप उसे अच्छा करवा दो तो आपका बड़ा एहसान होगा। राष्ट्रपति ने जैसे ही सुना तो उसने कहा ठीक है भैया, तुम्हारा कमरा क्या हो जाएगा, बढ़िया बना दिया जाएगा। इस तरीके से जेल में जितने भी कैद खाने वो कैदी थे, उन कैदियों ने अपनी कोई ना कोई क्या बताई, परेशानी बताई, और जिसने जो परेशानी बताई उसको उस परेशानी का क्या किया गया, समाधान किया गया, उसकी समस्या को मिटाया गया। और राष्ट्रपति ने एक एक की समस्या को सुना, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे वो सारे उपाय क्या किए गए, किए गए। आखिर में जब एक खड़ा था किनारे एक कैदी, वो भी चुपचाप खड़ा था, राष्ट्रपति ने देखा कि सारे कैदी कुछ ना कुछ मांग रहे हैं। कोई कहता खाना अच्छा चाहिए, कोई कहता पानी अच्छा चाहिए, कोई कहता बिस्तरा अच्छा चाहिए, कोई कहता बाथरूम अच्छा चाहिए, कोई कहता कमरा अच्छा चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि मेरा जो व्यू है वो अच्छा नहीं है, मुझे दूर दूर तक देखना होता है, तो इसलिए मेरे को जहाँ खिड़की बढ़िया हो, जहाँ दूर दूर तक चीज़ें नज़र आ जाएँ, मुझे ऐसे कमरे में रख दो। मतलब ये है कि किसी ने कुछ ना कुछ जरूर मांगा, पर एक चुपचाप क्या है, खड़ा है। तो राष्ट्रपति ने उससे कहा करे भाई तुम्हें कुछ नहीं मांगना, तुम भी तो कुछ मांगो। तो वो बोला करे राष्ट्रपति महोदय, मैं अगर मांग भी लूं तो शायद आप दे ना पाएंगे। करे भाई ऐसी कौन सी बात है, आज तो मैं आया हूं और मैं आया ही इसलिए हूं ताकि जो कुछ भी तुम मांगो उसे मैं क्या कर दूं, उसे पूरा कर दूं। तुम्हारी जो भी समस्या हो मैं सुनूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान भी करूंगा। और तुमने देखा नहीं, जिन्होंने भी कुछ भी समस्या रखी उनकी समस्याओं का क्या किया गया, निदान किया गया। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या करे महोदय, देखो आप बिस्तरा अच्छा दे दो, आप खाना अच्छा दे दो, आप नहाने के लिए अच्छा दे दो, आप रहने के लिए जगह अच्छी दे दो, परंतु फिर भी हम क्या रहेंगे, फिर भी हम कैदी के कैदी रहेंगे। करें हमें कोई स्वतंत्रता नहीं होगी,
हमें कि कोई आजादी नहीं होगी। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो आप इसमें से मुझे कुछ भी ना दो, मुझे ना दो अच्छा खाना, मुझे ना दो अच्छा बिस्तरा, ना दो अच्छा स्थान, ना दो अच्छा कमरा, पर मुझे क्या कर दो, मुझे आजादी दे दो। राष्ट्रपति ने जैसे ही सुना उसने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हें हम क्या करते हैं, आजाद करते हैं। और इस तरीके से उस कैदी को क्या मिल गई, आजादी मिल गई। अब आप इसमें देखो, कहानी तो खत्म हो जाती है, परंतु इस कहानी का एक भाव है, और भाव क्या है, समझना बहुत आसान है कि राष्ट्रपति ने एक एक कैदी से उसकी कामना पूछी है कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, और जो तुम्हें चाहिए तुम अगर मांगोगे तो तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। पर आप ये देखो कि केवल और केवल उन हजारों कैदियों में से एक को ही ये बुद्धि आई कि भैया खाने को मत मांगो, रहने को, सोने को, नहाने को मत मांगो, बल्कि इस कैद खाने से आजाद होने की क्या कर लो, मांग कर लो। केवल और केवल बुद्धि किसको आई, एक की ही समझ में बात आई कि अगर मांगना है तो क्या मांगो, आजादी मांगो, अगर मांगना है तो स्वतंत्रता मांगो, अगर मांगना ही है तो इस कैद खाने की दीवार से बाहर जाने की क्या मांग लो, छूट मांग लो, और वो छूट भी क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। परंतु याद रखिए कि हजारों लोग, आप बेशक फर्क इतना ही है कि भैया वो कैद खानों में वहां रहते हैं तो आपको लगता है कि वो कैदी हैं, परंतु आपको क्या लगता है कि ये जो बाहर घूम रहे हैं क्या ये कैदी नहीं है। ये भी अपनी अपनी धारणाओं के, अपनी अपनी मान्यताओं के, अपनी अपनी आसक्तियों के, अपने अपने मोहों और ममताओं के कैदी हैं सारे के सारे। कोई ना कोई बंधन की डोर है कि आप कभी भी कहीं छोड़कर जा नहीं सकते, है या नहीं है? आप अपने घर से कितनी कितने दिन दूर रह सकते हो, आखिरकार वो जो घर की डोर है वो आपको वापस अपने पास खींच लेगी। आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से कितनी दूरी साध सकते हो, एक दिन की, दो दिन की, हफ्ते भर की, महीने भर की, साल भर की, परंतु फिर एक न एक पल, एक न एक क्षण ऐसा आएगा कि आपको वापस आना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि हम आजाद हैं, आपको लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, क्यों? क्योंकि आपको आपकी मर्जी का खाने दिया जाता है, पहनना दिया जाता है, रहने दिया जाता है, परंतु याद रखिए कि जब तक ये आसक्ति की डोर, ये मोह की डोर है, तब तक कोई भी आजाद नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं है। असली स्वतंत्रता वह है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, अपनी इच्छाओं की दासता, अपनी इच्छाओं की नौकरी करना छोड़ देता है। और नौकरी तो आपको बजानी ही है, या तो भैया परमात्मा की नौकरी बजाओ और या फिर संसार की नौकरी बजाओ, या तो अपने परिवार के दास कहलाओ और या फिर भगवान के क्या बन जाओ, भगवान का प्यारा बन जाओ। बनना तो होगा, परंतु याद रखिए कि चुनाव आपका होगा। जब आप संसार का चुनाव करते हैं तो आप केवल और केवल बिछोह का, संयोग का और वियोग का, टूटन का और बिखराव का चुनाव करते हैं। जिस पल में आप परमात्मा का चुनाव करते हैं तो आप अपने जीवन में सत्य का, शिव का, सुंदर का, कल्याण का, मंगल का, धर्म का, शाश्वत का, नित्य का चुनाव करते हैं। भगवान महावीर की स्तुति में आर्य सुधर्मा स्वामी ने एक जो गीत गाया है, उसी गीत की कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, और उसी से ही संबंधित ये बातें हैं, थोड़ी सी बातें और आगे चलाते हैं। से भोई पन्ने अणिये अचारी ओहंतरे धीर अनंत चखो अणोत्तरम तपई सूर्य वा वैरोयणिंदे वतमं पगासे वैरोयणिंदे वतमं पगासे। से भूई पन्ने अणिये अचारी, वे भूति प्रज्ञ थे, अर्थात उनकी जो प्रज्ञा थी वो बहुत विशाल, बहुत ज्यादा थी। अनिकेत अचारी थे, अर्थात अनगार थे। ओहंतरे धीर अनंत चक्षु, संसार सागर को पार करने वाले अनंत ज्ञानी और धैर्यवान थे। जैसे अनुत्तरे तप्पई सूर्य वा, जैसे सूर्य भगवान सारे ग्रह नक्षत्रों में सबसे ज्यादा चमकते हैं, वैसे ही भगवान महावीर ज्ञानियों में सर्वाधिक ज्ञानी थे। वैरोयणिंदे व तमम पगासे, जैसे वैरोचन नाम की जो अग्नि होती है वो अंधकार को दूर कर देती है, ऐसी ही भगवान महावीर का ज्ञान और दर्शन ऐसा था जो अज्ञान की, मिथ्यात्व की अंधेरी को क्या कर देता था, दूर कर देता था।
पहले पहल जो शब्द आए हैं उन पर आप ध्यान दें। भूई पन्ने अणिये अचारी, भूति प्रज्ञ और अनिकेत अचारी, एक होती है मिथ्यामति जिसे हम कहते हैं कुमति, और एक होती है सम्यकमति जिसे हम कहते हैं सही सोच या सही मान्यता। हमारा जो पूरा का पूरा जीवन है ये हमारी मान्यताओं का निर्माण है, हमारी अपनी ही धारणाओं की निर्मिति है। आप जैसी सोच रखते हैं आपका व्यक्तित्व तो वैसा ही बनता है। आप जिस तरीके की मान्यताओं को पालते हैं पोसते हैं आपका व्यक्तित्व तो उसी के ढंग का बनता है। आपकी मान्यता हो कुछ और आपका व्यक्तित्व हो कुछ और, ऐसा ऐसा नहीं होता। जैसे ही हमारी मान्यताएं होती हैं वैसी ही हमारा व्यक्तित्व, वैसी ही हमारा पूरा जीवन वैसा ही ढलता है। अब यहां पर जो शब्द आया है भगवान के लिए वो आया है भूति प्रज्ञ। भूति प्रज्ञ का मतलब होता है ऐसी अतुलनीय प्रज्ञा, ऐसी प्रज्ञा जो हर एक चीज को सही ढंग से सही मायनों में समझ सकती है। जो जैसा है उसे वैसा समझना उसे कहते हैं प्रज्ञा, जो जैसा नहीं है उसे वैसा मान लेना इसे कहते हैं बुद्धि। एक तो बुद्धि है जो हम सभी को प्राप्त है, हम सभी को, यहाँ तक कि अगर आप एक चींटी को भी देखेंगे तो चींटी को भी इतनी समझ है कि भैया खाने के लिए दाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, जीवन जीने के लिए ऐसा रहन सहन चाहिए, है या नहीं है? मधुमक्खियों में, चींटियों में, मक्खियों में, सब में ये समझ होती है। जीवन को जीने की जितनी भी समझ है, जितनी भी आवश्यकता है कि क्या आवश्यक है जीवन जीने के लिए, उस आवश्यकता के अनुरूप या उसके अनुपात में सबको क्या मिल जाती है, उसकी अपनी समझ मिल जाती है। फिर चाहे छोटे से छोटा जंतु हो या फिर इंसान हो, सबको क्या मिल गया, एक समझदारी का। पर चीज याद रखिए कि समझदारी केवल इसको नहीं कहते कि आपने अच्छा कमा लिया, अच्छा घर बना लिया, अच्छा अच्छी गाड़ी खरीद ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा भोजन कर लिया, अच्छा लाइफ स्टाइल आपने स्टेबल कर लिया, तो आप क्या हो गए, समझदार हो गए। पर आजकल तो समझदारी इसी का नाम है कि भैया सफलता उसी को ही सफल ही माना उसी को जाता है जिसने ज्यादा से ज्यादा बढ़िया क्या कर दिया, घर बना दिया, बढ़िया नाम कमा दिया, है या नहीं? सफलता का मतलब ही हमारे लिए इतना सा है, सुख का मतलब ही हमारे लिए यही रह गया कि आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया की नजर में, दुनिया की आंखों में कैसे चढ़ सकते हैं, और जितना आप चढ़ गए उतने आप सफल हो गए। पर याद रखिए कि जीवन की सफलता या जीवन की समझदारी इसमें नहीं है कि आप बड़ा घर बनाते हैं, जीवन की सफलता इसमें है कि आप बड़ी उदारता रखते हैं। जीवन की सफलता में इसमें नहीं है कि आप बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बल्कि जीवन की सफलता इसमें है कि आप बढ़िया से बढ़िया जीवन जीते हैं। जीवन की सफलता इसमें भी नहीं है कि आप दुनिया में कितना नाम कमाते हैं, जीवन की सफलता तो इसमें है कि आप अपने आप से कितना प्रेम करते हैं, आप अपने आप को कितना स्वीकार कर पाते हैं। याद रखो कि जो अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाता वही चाहता है कि दूसरे उसे क्या करें, दूसरे उसे सम्मान दें। जिसकी अपनी नजरों में सम्मान नहीं होता वही दूसरों के सामने सम्मान की भीख मांगता फिरता है, जिसे अपने आप से प्रेम नहीं वही दूसरे लोगों से प्रेम की भीख मांगे फिरता है। पहला है प्रज्ञा। प्रज्ञा का मतलब है एक ऐसी सूक्ष्म समझ जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका। फिर दूसरा शब्द है अनिकेतचारी। अनिकेतचारी का मतलब होता है घर छोड़कर रहना, घर बार नहीं बनाना, कोई अपनी आसक्ति का कोई भी डोर, कोई भी बंधन नहीं रखना। भगवान महावीर की दीक्षा का पहला ही साल था और अभी चतुर्मास काल निकट नहीं आया था, तो एक आश्रम था, उनके पिताजी के एक मित्र थे जिनका नाम था दुईजंत। उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था जहां वो अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। तो वहीं से दीक्षा लेने के बाद भगवान का विहार वहां से हो रहा था, वहां से वो जा रहे थे, तो उनके कुछ शिष्यों ने, दुईजंत के शिष्यों ने देखा कि श्रमण वर्धमान जा रहे हैं, वो फटाफट गुरु के पास आए और कहने लगे कि गुरुदेव, श्रमण वर्धमान जो आपके मित्र के पुत्र हैं और अब दीक्षित हो चुके हैं, सन्यासी बन चुके हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं, अगर आपको मिलना हो तो आप मिल सकते हैं। तो जो दुईजंत थे, जो गुरुकुल के मालिक हैं, वो फटाफट भागते हुए आए और श्रमण वर्धमान से मिले और कहा कि वर्धमान कहाँ जा रहे हो?
तुम्हें कहीं और जाने की, तुम्हें किसी और स्थान पर भटकने की क्या जरूरत है? तुम आओ और मेरा जो ये आश्रम है, मेरे आश्रम में रहकर आराम से क्या करो, तपस्या करो, साधना करो। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि देखो, आपने जो बात कही है मैं बिल्कुल इसको ध्यान में रखूंगा, पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अभी नहीं, अभी चतुर्मास काल निकट नहीं आया। जब चतुर्मास काल निकट आएगा तो मैं क्या करूँगा, चतुर्मास आपके यहाँ पर करूँगा। और ऐसा कह के भगवान वहाँ से चले जाते हैं। जब चतुर्मास काल निकट आता है तो उसके बाद वो वहाँ आश्रम में आ जाते हैं। इस बार ऐसा हुआ, चतुर्मास में बरसात नहीं हुई। अब जो चतुर्मास का समय है वो बरसात का समय है, तो वर्षा नहीं हुई। जब बरसात नहीं हुई, मानसून नहीं आया, तो चारों तरफ एक तरीके से सूखा पड़ गया। तो आसपास के जो गांव थे, उन गांवों के जितने भी पशु चरने के लिए जंगल में आते, तो वो चरते 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 कहाँ जाते थे, आश्रम में। और जैसे आश्रम में आते तो आश्रम बने हैं वहां की जो कुटियाएं बनी है वो घास और पात की बनी है, तो वो बेचारे पशु आते और सीधा कहाँ मुंह मारते, जाके कुटिया की घास में। और जो तापस थे वो तो उन पशुओं को हटा देते थे, उनको वहां से भगा देते थे, दूर कर देते। पर एक कुटिया ऐसी थी जहां आराम से अगर पशु आ गया तो कोई उसे हटाने वाला, कोई उसे बोलने वाला, कोई उसे दूर करने वाला नहीं, क्योंकि वहां कौन है, वहां भगवान महावीर हैं जो अपनी साधना में लीन हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार जब कोई पशु आता भगवान की कुटिया पर, अगर वो घास खाना शुरू करता तो दूसरे जो तापस होते वो क्या कर देते, उन्हें पशुओं को हटा देते। पर जब तापसों ने देखा कि ये तो बार बार का काम हो गया, कि हम अपनी कुटिया का भी, भैया इन पशुओं को हटाएं और ये वर्धमान की कुटिया की भी हटाएं, ये तो गलत बात है। अगर वर्धमान इसमें रहता है तो थोड़ा बहुत ध्यान तो इसे भी रखना चाहिए अपनी कुटिया की। तो चलो, वो एक दिन गुरु के पास आए और कहने लगे द्विजंत से कि गुरुदेव, आपसे ना हम कुछ कहना चाहते हैं, आप बुरा मत मानिए। करे नहीं, अगर कोई बात है तो कहो, क्या बात है? करे बात तो कुछ भी नहीं है, वो क्या है, आपने जो वर्धमान को कुटिया दी है, आप जानते हैं कि बरसात ना होने के कारण पशु कहाँ आ जाते हैं, यहाँ हमारे आश्रम तक चरते चरते आ जाते हैं। अब वो कुटिया की घास खाना शुरू कर देते हैं और तो सब ठीक है, पर वर्धमान अपनी कुटिया पर आए हुए पशुओं को नहीं हटाता, और वो पशुओं को नहीं हटाता इसलिए परेशानी है। तो क्या करे, कोई बात नहीं, तो बहुत छोटी बात है, मैं जाकर वर्धमान को क्या कह देता हूँ, जाकर उसे टोक देता हूँ। वो आए और वर्धमान के पास आए और कहने लगे कि वर्धमान, करे हाँ बोलिए आर्य, क्या बात है? करे बात ये है कि ये कहते हैं कि भैया तुम अपने कुटिया के पशुओं को नहीं हटाते। भैया अगर तुम्हें ये कुटिया रहने के लिए दी गई है तो जिसमें रहते हो उसका थोड़ा बहुत क्या करो, उसका ध्यान तो रखो, तुम्हें अपनी कुटिया का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही सुना तो भगवान मुस्कुराए, कुछ जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, पर मन में ये सोचा कि भैया मुझे अगर ध्यान ही रखना होता तो मैं अपने महलों का ध्यान ना रख लेता, जो अब मैं क्या करूं, कुटिया का ध्यान करने बैठूं। मैं अपनी आत्मा का ध्यान करूं या फिर बैठे बैठे यहाँ अपनी कुटिया की रक्षा करूं? मुझे अपनी ही आत्मा की रक्षा करनी है या फिर यहाँ कुटिया की रखवाली के लिए बैठा रहूं? अभी उन्होंने सामने तो कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराए और द्विजंत भी ये कहकर कि भैया देखो आगे से क्या करना, थोड़ा ध्यान रखना, और वो चले गए। पर उनके जाते ही भगवान ने मन में एक विचार किया कि देखो, जहां अप्रतीति हो, अप्रतीति मतलब जहां लोग आपको रहना पसंद ना करें, कि लोग आपकी वजह से परेशान हो जाएं, लोगों के मन में आपके वजह से संकल्प और विकल्प पैदा हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, जहां ऐसा होगा वहां मैं नहीं रहूंगा, वहां मैं नहीं रहूंगा। और भगवान कहते हैं कि चतुर्मास में वहीं से क्या कर दिए, विहार कर दिए, कि चतुर्मास काल में उन्होंने वहां से विहार कर दिया। और विहार करके कहते हैं कि एक पेड़ के नीचे उन्होंने क्या किया, अपना जो बचा हुआ चतुर्मास था, एक पेड़ के नीचे अपना पूरा का पूरा बचा हुआ चतुर्मास बिताया। ये है अनिकेतचारी होने का भाव। अनिकेतचारी का मतलब कि कोई आसक्ति नहीं, कोई बंधन नहीं। हमारे पास तो एक छोटा सा मकान होता है, उसके लिए भी बाप रे बाप कितनी हाय तोबा मचाए रखते हैं। यहाँ तक कि अपना ना भी हो तो भी हम कितनी हाय तोबा मचाए रखते हैं। अपने नाम पर अगर हो तब तो बात अलग है, पर यहाँ तो अपना भी नहीं होता फिर भी क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार बस में कुछ लोग बैठे हुए थे, कहीं जा रहे थे यात्रा करते हुए, और करते करते क्या हुआ, बीच में रास्ते में ड्राइवर ने बस रोकी और सबको कहा, करे भैया देखो जल्दी जल्दी, जिसको जो भी काम करना हो, छोटी शंका बड़ी शंका
पीना वगैरह जो भी है फटाफट जाओ, अभी थोड़ी देर में वापस आओ, 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट बाद क्या होगी बस चल देगी। सारे लोग गए तो एक आदमी जब वापस लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी सीट पर, जिस सीट पर वो बैठा था उस सीट पर कोई और बैठा हुआ है। तो उसने देखा, वो कहने लगा उठो। वो बोला करे क्यों? करे ये मेरी सीट है। करे नहीं तेरी सीट कैसे होगी, ये तो बस की सीट है। क्या बोला? करे तेरी सीट कैसे होगी, तो बस की सीट है। करे नहीं नहीं मैं इस पर बैठा था। तो कहा करे भैया तू बैठा था ना, था, अब कौन है? अब मैं बैठा हूं। करे ऐसा कैसे है? तो कहा करे अच्छा बताओ ऐसा क्या तुम्हारे पास प्रमाण है कि ये सीट तुम्हारी है, क्या है तुम्हारे पास? करे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। करे हाँ मैं यहाँ पे अपना रुमाल बिछा कर गया था। करे ओहो वो रुमाल तुम्हारा था, मुझे लगा कोई छूट गया हो किसी का। उसने लिया रुमाल, कहा करे ले भैया अपना रुमाल संभाल, तू तो कल जाकर ताजमहल पे रुमाल बिछा लेगा और कहेगा कि ताजमहल मेरा हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। अब सीट पर मैं बैठ गया हूँ तो सीट किसकी है? मेरी है। सीट पर मैं बैठ गया तो जो सीट पर बैठ गया सीट उसकी हो जाती है। पता है मिल्कियत ऐसे ही बदलती है। आज जिस पर आप कह रहे हो कि ये मेरा है, पहले कल जो बीत गया है, उस बीत गए कल में कोई और कहता था कि ये मेरा है, आज तुम हो कहने वाले कि मेरा है, और कल आने वाले कल में कोई और होगा जो कहेगा कि मेरा है। लोग बदल जाते हैं, चीजें वहीं रह जाती हैं, और आदमी का मोह, आदमी की आसक्ति ऐसी कि उसे छोड़ना, उससे दूर होना, उससे हटना तक नहीं चाहता। उसमें रोएगा, उसमें रहेगा, उसमें तड़पेगा, उसमें पीड़ित होगा, उसमें दुखी होगा, उसमें बिल्कुल ही कसमसाएगा, परंतु उससे हटने की कोशिश, उससे दूर होने की कोशिश नहीं करेगा। पता है सड़क के किनारे सुबह सुबह का समय था, एक बुजुर्ग व्यक्ति बेचारे बैठे हुए रो रहे थे। अब रोते लोगों को इतनी कहां फुर्सत की भैया कोई बेचारे बूढ़े बुजुर्ग की कोई क्या करे, उसके रख रखाव करे, उसकी तरफ कोई ध्यान दे। पर आखिरकार एक नौजवान के मन में बड़ी पीड़ा पैदा हुई कि बेचारे देखो इतनी उम्र है इनकी और ये क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। थोड़े सन्यासी टाइप के थे, आए और कहने लगे करे बाबा क्या बात हो गई, क्यों रो रहे हो? करे महात्मा जी क्या बताऊं, मैं ना बहुत दुखी हूँ। करे क्यों, क्या बात हुई, किससे दुखी हो? करे देखो वो, देखो रहे सामने, देख रहे हो आप वो बच्चा जा रहा है 15-16 साल का? करे हाँ। करे वो मेरा पोता है। तो करे आपका पोता है तो रोने की क्या बात है? करे देखो मैं ना भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ। क्या बोला? भीख मांग के अपना गुजारा करता हूँ, और भीख मांग रहे सुबह सुबह मेरे पास आ गया और बोलता है कि मुझे 100 रुपए चाहिए। अब मैं सुबह सुबह इसको 100 रुपए कहाँ दूँ, कहाँ से ला के दूँ? जब मैं पूरे दिन भीख मांगता हूँ तब जाकर मेरे पास थोड़े से पैसे आते हैं, और ये सुबह सुबह आ गया कि मुझे क्या चाहिए, 100 रुपए चाहिए। अब मैं कहाँ से देता इसे 100 रुपए, मैंने उसे 100 रुपए नहीं दिए। तो क्या करे ठीक है, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? करे रोने वाली बात ये नहीं कि मैंने उसे 100 रुपए नहीं दिए, रोने वाली बात ये है कि उसने, क्योंकि मैंने उसे 100 रुपए नहीं दिए तो उसने गुस्से में आके मेरा जूता उठा के मेरे माथे मार दिया। तो रोने वाली बात ये है कि देखो क्या दुर्भाग्य दिन मुझे देखने मिल रहे हैं कि मुझे अपने ही पोते के जूते खाने पड़ रहे हैं, अपने पोते के हाथ से जूते खाने पड़ रहे हैं। करे ओहो, वो बाबा जी जो थे महात्मा जी कहने लगे बहुत बुरा हुआ, सचमुच में बहुत बुरा हुआ, तुमने तुम्हारे पोते के हाथ से तुमने जूते खाया, ये तो सचमुच में ही बहुत दुख की बात है, ये तो सचमुच में बहुत पीड़ादायक बात है। तो करे क्या जमाना आ गया कि देखो पोते भी अपने दादों पर क्या कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं। तो क्या करे चलो ये काम करते हैं, देखो बाबा ये तो दुनियादारी है, ये तो स्वार्थ की दुनिया है, एक काम करो छोड़ो इसे, आप मेरे साथ चलो, यहीं थोड़ी देर दूर पर मेरा एक आश्रम है, बहुत बढ़िया, तुम तो आश्रम में चलो, छोड़ो ये दुनियादारी का झंडा, ये झंझट छोड़ो, ये घर परिवार छोड़ो, ये पोता मेरा परिवार, एक काम करो मेरे साथ चलो और आराम से मेरे आश्रम में क्या करना, वहाँ रहना, टाइम पे खाना मिल जाएगा, और छोटा मोटा अगर कोई काम हो तो कर लेना, नहीं तो आराम से भजन बंदगी करना। जैसे ही सुना कि चल मेरे साथ और भजन कर लेना, तो प्रभु का नाम ले लेना, तो महात्मा जी जो अभी तक रो रहे थे एकदम से तिल मिलाए और कहने लगे हट हट, तू कहाँ से आया? अरे तू पंचायती करने वाला कहाँ से आया? पोता मेरा है, जूता मेरा है, माथा मेरा है, मेरा मार गया तो तुझे क्या लेना देना, चल निकल यहाँ से, मुझे नहीं जाना तेरे साथ तेरे आश्रम में, मुझे नहीं करना भजन बंदगी। तात्पर्य ये है कि भैया जूते खाएंगे, रोएंगे, परेशान होएंगे, परंतु छोड़ना छोड़ना नहीं है, ये आसक्ति की डोर, इसको त्यागना नहीं है। तो याद रखिए कि अनिकेतचारी का मतलब होता है कि ये जो भीतर में जो बंधन है, ये बंधन किसी और का नहीं है, इन बंधनों के निर्माता कौन है? हम स्वयं हैं।
तो इन बंधनों को गिराने कौन आएगा, पड़ोसी या स्वयं गिराएंगे? हम स्वयं ही गिराएंगे। याद रखिए कि अगर जीवन में सही मायनों में आपको स्वतंत्रता का, आज़ादी का सुख चाहिए, तो वो तो तभी मिलेगा जब हम अपनी इच्छाओं की, अपनी कामनाओं की, अपने मोह और अपने आसक्तियों की दासता त्यागेंगे। जिस पल में भी हम अपने आसक्ति की दासता का त्याग करेंगे, हमारे जीवन में सच्चे सुख का सवेरा आएगा, सच्चे सुख का सूर्योदय होगा। अगर ऐसा होता है तो जीवन सही मायनों में धन्य बनता है और हम भी सही मायनों में भगवान के अनुगामी, भगवान के अनुयायी कहलाने के योग्य बनते हैं। जो भगवान अनिकेतचारी हैं, अनासक्त हैं, उनकी अनिकेतचारी का जो भाव है, उनकी अनासक्ति का, उनकी वितरागता का भाव हमारे जीवन में भी आए, आपके जीवन में आए, समष्टि में यह भाव आए। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।